हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी सकल को कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने टेक्स्ट बुक के का जो चैप्टर 1 है आपका, ये वाला हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर अब तक आपने वो चैप्टर को नहीं समझा है, वो वीडियो आपने नहीं देखी है, तो पहले आप जाके वीडियो को देखिए और चैप्टर को समझे। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करें और वीडियो आपकी ओपन हो जाएगी। वहां पहले आप वीडियो को देखें, चैप्टर को अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आकर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हूज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन। दिस अप्लाइज टू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस थ्रू आउट द बुक। तो इसका क्या मतलब है कि ये जैसे आपको हर क्वेश्चन में ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर स्टोरी का पार्ट है। आप स्टोरी जब पढ़ोगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क वाला चैप्टर, तो वहाँ पे आपको हर एक पैराग्राफ में नंबरिंग दी हुई है। तो अगर यहाँ पे नंबर 2 है, यानी कि ये नंबर 2 वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया। अगर नंबर 4 है तो यानी नंबर 4 वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपकी हेल्प करने के लिए है और क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग को इजी बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, व्हाट वाज इट रियली। तो पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है, और असल में यानी रियलिटी में वो क्या था। आंसर विल बी, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल, इन रियलिटी इट वाज एन एल्फ। तो पैट्रिक को लगा कि उसकी जो बिल्ली है किसी छोटी सी गुड़िया से खेल रही है, बट दरअसल वो क्या था, वो एक एल्फ था, यानी छोटे साइज का आदमी था। क्वेश्चन 2 इज, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रैंड पैट्रिक अ विश। यानी उस छोटे से एल्फ ने, छोटे से जो टाइनी जो आदमी था, उसने पैट्रिक की विश को क्यों ग्रांट किया, उसने क्यों मान लिया उसके विश को। तो आंसर क्या होगा, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही सेव्ड हिज लाइफ बाय नॉट हैंडिंग हिम ओवर टू द कैट। क्योंकि पैट्रिक ने उसकी जान बचाई थी। कैसे बचाई थी, उसे बिल्ली से बचा करके। अगर वो बिल्ली को उसे वापस खेलने देता तो हो सकता है बिल्ली उसे खा जाती या उसे परेशान करती है, उसे नुकसान पहुंचाती। तो पैट्रिक ने बिल्ली से उसकी जान बचाई, इसलिए उसने पैट्रिक को कहा कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक की विश क्या थी, आपको पैराग्राफ नंबर 3 में मिलेगा आंसर। आंसर विल बी, पैट्रिक्स विश वाज दैट द एल्फ डज हिज होमवर्क फॉर 35 डेज अंटिल द एंड ऑफ सेमेस्टर एज ही हेटेड डूइंग होमवर्क। तो पैट्रिक की विश ये थी कि वो जो एल्फ है वो 35 दिनों तक, जब तक कि उसके जो सेमेस्टर यानी उसका जो स्कूल का जो करिकुलम है, जो उसके स्कूल डेज है, वो खत्म ना हो जाए, तब तक वो 35 डेज तक उसका होमवर्क डेली करे। और उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ही हेटेड डूइंग होमवर्क। क्वेश्चन 4, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो वो जो छोटा मैन था, वो जो एल्फ था, उसे पैट्रिक की किन किन सब्जेक्ट्स में होमवर्क करने में मदद लेनी पड़ी। आंसर, द लिटिल मैन वॉज वीक इन इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, देयरफॉर ही नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन दीज सब्जेक्ट्स। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में वीक था, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में और हिस्ट्री में। इन तीनों सब्जेक्ट्स में पैट्रिक ने होमवर्क करने में उसकी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। आंसर, पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड स्टेड अप लेट नाइट्स टू गाइड हिम व्हाइल डूइंग हिज होमवर्क। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रेड आउट दोज बुक्स टू हिम। तो पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की, पैट्रिक एल्फ के पास ही बैठता था और लेट लेट नाइट तक वो उसके साथ जगता था। क्यों जगता था, क्योंकि वो उसे होमवर्क करने में मदद करता था। और इतना ही नहीं, उसने लाइब्रेरी से भी उस एल्फ को कुछ बुक्स ला के दी और वो बुक्स को उसके लिए पढ़ता भी था, उसे पढ़ के भी सुनाता था, ताकि उसको हेल्प करे और होमवर्क करने में उसे आसानी हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का जो होमवर्क है वो असल में किसने किया था, वो एल्फ यानी छोटे से आदमी ने किया था या फिर पैट्रिक ने खुद ही किया था। और आपको इस आंसर का रीजन यानी आपको वो भी बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। आंसर विल बी, इन रियलिटी पैट्रिक डिड ऑल हिज होमवर्क हिमसेल्फ, ही हैड टू हेल्प द लिटिल मैन ओवर एंड अगेन विद प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑल्सो ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू रीड देम आउट टू हिम। तो रियलिटी में क्या था, रियलिटी में पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया था
क्योंकि एल्फ तो बस प्रिटेंड कर रहा था होमवर्क करने का। एल्फ को क्या पता कि होमवर्क क्या होता है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पढ़ाई क्या होती है। वो तो हर चीज के लिए पैट्रिक पे ही डिपेंडेंट था। पैट्रिक उसे जो बताता था वही वो एल्फ करता था। उसे पैट्रिक हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता था। उसे लाइब्रेरी से उसने बुक्स भी लाके दी, और इतना ही नहीं उस बुक्स को उसने उस एल्फ को पढ़ के भी सुनाया। तो अगर हम ये देखें तो हमें ये पता चलेगा कि पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया, एल्फ ने तो बस उस होमवर्क को लिखा, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करने का काम, क्वेश्चंस को के आंसर्स फाइंड आउट करने का काम, ये सब काम पैट्रिक ने किया था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। नेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज ए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, लुक सच वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस में आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो उसमें आपको सही वर्ड्स चूज करना है। ये जो वर्ड बॉक्स है इसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वर्ड कौन से सेंटेंस में आएगा, आपको सही ब्लैंक में वर्ड्स को फिट करना है। तो फर्स्ट इज, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड कोर्स अ लिटिल बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। तो अगर आपको इसमें से कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लगे तो आप उसे डिक्शनरी में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोर्स क्या होता है, ऐसा काम जो हम डेली करते हैं, हाउस होल्ड कोर्स यानी घर का काम, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, या फिर पौधों को पानी देना है, इस तरीके के काम जो है वो हम डेली करते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे हाउस होल्ड कोर्स। नेक्स्ट टू, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी अभी तक ये एक राज है कि वो डायमंड किसने चुराया। थर्ड इज, दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। तो सेमेस्टर यानी जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो गए, अब आपका ये दूसरा सेमेस्टर चल रहा है, तो उस सेमेस्टर में एग्जीबिशन हो, जैसे हाफ ईयरली के बाद अब आपके फाइनल एग्जाम्स आएंगे डायरेक्ट, तो वो जो बीच का जो पीरियड हुआ वो आपका सेमेस्टर हुआ। नेक्स्ट इज फोर्थ, ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। ट्रू टू हिज वर्ड यानी अपने वर्ड्स का पक्का, यानी उसने जो प्रॉमिस किया वो उसने निभाया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। फिफ्थ इज, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। लुक अप का मतलब होता है फाइंड आउट यानी खोजना, क्या तुम डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग ढूंढ सकते हो। सिक्स, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक, देर वॉज अ ट्रैफिक जैम। आउट ऑफ लक यानी बैड लक, यानी मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मैं अपने घर से बहुत जल्दी चला था ताकि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, बट मेरी किस्मत खराब थी और मुझे ट्रैफिक जाम मिल गया। सेवेंथ इज, शी सेज शी इज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। तो बिटवीन यू एंड मी, तो बच्चों यहाँ पे बिटवीन यू एंड मी का क्या मीनिंग हुआ, तो जैसे शी सेज शी इज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, यहाँ पे जैसे दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि वो कहती है कि उसके पास बहुत सारा बुक्स है, बहुत सारे बुक्स है, तो यहाँ पे बिटवीन यू एंड मी का मतलब कि ये हम दोनों के आपस की बात है, यानी हम दोनों का सीक्रेट है, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब वो दो दोस्त जो बात कर रहे हैं, वो पहला दोस्त दूसरे को बोल रहा है कि ये बात तुम हमारे तक ही रखना, इट इज बिटवीन यू एंड मी, कि आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, कि वो कहती तो है कि उसके पास बहुत सारे बुक है लेकिन ज्यादातर बुक्स जो है उसने किसी से मांगे हुए, यानी उसने लाइब्रेरी से लिया या फिर किसी फ्रेंड से मांगे, तो वो उसके खुद के बुक्स नहीं है। तो बिटवीन यू एंड मी का हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग होता है कि अ कन्वर्सेशन दैट इज सीक्रेट, इट इज बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट इज बी, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कम्प्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। तो यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल आपको दिया गया है, यहाँ पे क्लूज दिए हैं, तो जो ये क्लूज है यानी ये मीनिंग्स दिए हैं, आपको वर्ड्स को गेस करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्रॉसवर्ड पजल में ही सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए एक एक करके फिर भी हम वर्ड्स को देखेंगे। तो फर्स्ट है वेरी टायर्ड, यानी बहुत थका हुआ, तो ये क्या हो जाएगा वियरी, वियरी का मतलब होता है वेरी टायर्ड। सेकेंड इज हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, तो ये क्या हो जाएगा स्काउल्ड, यानी चेहरे पे बहुत ही गुस्से वाला लुक देना। थर्ड इज शॉर्ट ट्राउजर्स ब्रीचेस। फोर्थ इज अ फॉल्ट इन द मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, तो ये क्या हो जाएगा ग्लिच। ग्लिच मतलब कि मशीन में कुछ ऐसा फॉल्ट होना, कुछ ऐसी कमी होना जिसकी वजह से मशीन ठीक से चल ना पाए, तो ये हो जाता है ग्लिच। फिफ्थ है अ स्मॉल एंड अनॉटी बॉय फेरी, ये होगा एल्फ जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था। डाउन यानी कि अब जो नीचे वाले वर्ड्स है इस तरीके से, अभी हम पढ़े थे अक्रॉस वर्ड्स यानी जो वर्ड्स इस तरीके से हैं ये वाले, और अब हम डाउन यानी पढ़ेंगे जो वर्ड्स ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो सिक्स में क्या होगा वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, तो सिक्स नंबर आप देखेंगे सिक्स का ये है सिक्स नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ड कोर्स, तो ऐसा वर्क जो डेली हमें करना पड़ता है इस वजह से ये बोरिंग है। सेवेंथ इज अ बास्केट विद अ लिड, ऐसा बास्केट जिसमें ढक्कन भी हो कुछ कवरिंग भी हो, तो ये हो जाएगा हमारा हैम्पर, ये हो जाएगा
सेवेंथ, एटिस गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, यानी शीक, शीक यानी चिल्ला, जैसे आप कहीं जा रहे हो अचानक से आपके सामने कुत्ता आ जाए तो आप कैसे चिल्लाओगे, तो वो जो साउंड होता है उसे हम कहते हैं श्रीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्पीकिंग, तो अब यहाँ पे मैं आपको सी वाला बता देती हूँ। री राइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेस केयरफुली सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट। तो मोर एंड मोर बुक्स है, ये ऐसे फ्रेजेस होते हैं, ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। ये फ्रेजेस अपने आप में कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो हम खुद ही समझ रहे हैं, जैसे मोर एंड मोर बुक्स यानी ज्यादा से ज्यादा बुक्स। तो यहाँ पे अक्सर हम समझते हैं मोर एंड मोर बुक्स यानी ज्यादा से ज्यादा बुक्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इन्हें सेंटेंस बनाना है। जैसे ये तो फ्रेज है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंसेस ये वर्ड्स को लेकर के बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे फर्स्ट है मोर एंड मोर बुक्स है, तो इसमें क्या हम बना सकते हैं, आई लव टू रीड मोर एंड मोर बुक्स, या He loves to read more and more books. My father loves to read more and more books. Second is too difficult. This question is too difficult to solve. या फिर आप लिख सकते हो maths is too difficult to understand. Third is got up late, missed the bus. यानी लेट उठे और बस छूट गई, तो उसका क्या हम बना लेंगे सेंटेंस, टुडे आई गॉट अप लेट एंड मिस द बस। फिर फोर्थ है सॉल्व द मिस्ट्री, तो इसका क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं, द पुलिस सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द स्टोलन कार। तो इस तरीके से आप ऐसे जो फ्रेजेस आपको दिए होते हैं उसको आप पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और आपको एक कंप्लीट सेंटेंस मिल जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है, ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सेकंड चैप्टर है वो मैं आपको समझाऊंगी, उसकी भी दो वीडियोस होंगे, फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो और फिर सेकंड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके डाउट्स और क्वेश्चंस भी आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपको इस चैप्टर में कुछ कमी लग रही है, आपको अगर और भी कुछ समझना है या कुछ और वे में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कोई भी आपके सजेशन से वो भी आप मुझे कमेंट में ही बता सकते हैं, तो वो उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर इम्प्रूवमेंट करूंगी। तो बच्चों अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।